और बड़ी खबर जम्मू से, जहां एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप महिला के बॉयफ्रेंड पर लगा है। महिला का नाम सुमेधा है, जबकि उसके बॉयफ्रेंड का नाम जौहर बताया जा रहा है। सुमेधा दिल्ली में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। होली की छुट्टियों के दौरान वो घर गई थी। जब होली के दिन वो जौहर से मिलने गई, तभी जौहर ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस हत्या के पीछे की वजह ढूंढ रही है। जहां महिला के माता पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं बजरंग दल ने इस पूरे मामले को लव जिहाद का मामला बना बताया है। तो ये तस्वीरें देखिए, उस महिला की तस्वीरें, सुमेधा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, और बॉयफ्रेंड जौहर भी आपको इस तस्वीर में नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल का प्रदर्शन भी हुआ है। लव जिहाद का आरोप बजरंग दल लगा रहा है इस पूरे मामले में। कानून बनाओ पीछे तस्वीरों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिख रही ये सुमेधा शर्मा है। सुमेधा की हाल ही में होली के दिन चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का शक सुमेधा के बॉयफ्रेंड जौहर गनी पर लगा है। पुलिस के मुताबिक महिला चिकित्सक जम्मू की रहने वाली थी। वो दिल्ली में एमडी की पढ़ाई कर रही थी। दिल्ली से होली मनाने के लिए जम्मू आई हुई थी। वो अपने दोस्त से होली पर मिलने के लिए आई थी। पुलिस का कहना है कि हत्या बुधवार रात को हुई, जब सुमेधा अपने घर में थी। सुमेधा को उसके बॉयफ्रेंड जौहर गनी ने उसी के घर में रखे चाकू से मार दिया। शुक्रवार को राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और कहा कि ये लव जिहाद का मामला है। हालांकि पुलिस लव जिहाद के एंगल पर फिलहाल कुछ नहीं कह रही है। अब सुमेधा के माता पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं। Z News.